आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, जो कि हमारा कौन सा है, गैर्डिया लैमेलिया। आज हम इसमें पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। फिर हम बात करेंगे इसके होस्ट के बारे में, मतलब ये किस किस को इन्फेक्ट करता है। इसके क्लासिफिकेशन के साथ साथ में हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड। फिर हम आगे बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। फिर हम बात करेंगे इसके ट्रांसमिशन के बारे में कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है। फिर हम बात करेंगे इसके हैबिटेट के बारे में, मतलब ये हमें कहाँ पे मिलता है। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में पता करेंगे इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, मतलब ये जो इन्फेक्शन करता है उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, जानते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं किस फाइलम को बिलोंग करता है। फाइलम जो होता है इसका वो होता है मेटामोनेटा। क्लास होती है इसकी यूमेस्टिगोफोरा। ये किस ऑर्डर को बिलोंग करता है? ऑर्डर होता है इसका डिप्लोमोनाडेटा। फैमिली हो गई एग्जामिटेडी। जीनस हो गया इसका गियार्डिया। स्पीसीज हो गई हमारी गैर्डिया लैमेलिया। ये हो गया इसका क्या क्लासिफिकेशन। अब आगे बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो होता है एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन पैरासाइट होता है। फ्लैजिलेटेड अगला पॉइंट है, ये जो होते हैं मतलब गैर्डिया लैमेलिया, ये कॉलोनाइज करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कॉज करते हैं डिसीज गैर्डियासिस। ये डिसीज कॉज करते हैं कौन, गैर्डिया लैमेलिया। अगला पॉइंट है, ये जो होते हैं रिप्रोड्यूस होते हैं किसके द्वारा, बाइनरी फिशन के द्वारा। अगला पॉइंट है, इसकी जो ट्रोफोजोइट फॉर्म होती है वो सबसे पहले ऑब्जर्व हुई कब, 1681 में, किसके द्वारा, एंटरवन लीवन। किसमें, इनके खुद के स्टूल में। इन्होंने ही सबसे पहले अपने स्टूल में किसको देखा, ट्रोफोजाइट फॉर्म को, किसकी, गैर्डिया की। कब, 1681 में। साइंटिस्ट थे होते हमारे एंटोनी वन लीवन हॉक। अगली चीज है वो है इसके होस्ट, मतलब ये किस किस को इन्फेक्ट करता है। ये जो होता है ये इन्फेक्ट करता है किसको, ह्यूमंस को, जो कि इसके मोस्ट कॉमन पैरासाइट।
मतलब ये मोस्टली इन्हीं को इन्फेक्ट करता है। और ये जो होता है इन्फेक्ट करता है डॉग्स को, कैट्स को और बर्ड्स को भी। कुछ मैमलियन स्पीसीज भी होती हैं जिनको ये इन्फेक्ट करता है, वो होती है हमारी कैटल, शीप एंड गॉट्स, इनको भी इन्फेक्ट करता है। ये हो गए इसके होस्ट। अब आगे हम बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। जानते हैं इसकी क्या मॉर्फोलॉजी होती है? जो हमारा गैडियल एम्ब्लिया है उसकी दो फॉर्म होती हैं। पहली होती है हमारी सिस्ट फॉर्म, दूसरी होती है हमारी ट्रोफोजॉइड फॉर्म। जो हमारी सिस्ट फॉर्म होती है वो होती है हमारी इन्फेक्टिव फॉर्म। और जो हमारी ट्रोफोजाइट फॉर्म होती है वो होती है हमारी वेजिटेटिव फॉर्म। अब बात कर लेते हैं इन दोनों फॉर्म के बारे में, मतलब सिस्ट के बारे में और ट्रोफोजाइट के बारे में। जो हमारा सिस्ट होता है वो ओवल शेप का होता है, वो कंटेन करता है क्या, चार न्यूक्लियाई। इसके पास में थिक वॉल होती है और ये जो होता है रेजिस्टेंट होता है किसके अगेंस्ट, एनवायरमेंटल कंडीशन के अगेंस्ट। एक और चीज है जिसका एवरेज साइज होता है वो होता है 12 × 10 माइक्रो। और जो हमारा ट्रोफोसाइट होता है वो एक्टिव मोटाइल फॉर्म होती है। दूसरा है पीएस शेप का होता है, और जो हमारे ट्रोफोजोइट्स होते हैं वो पीएस शेप के होते हैं। अगली चीज है कंटेन करते हैं क्या, टू न्यूक्लियाई और फोर पेयर्स ऑफ फ्लैजेला। और ये जो होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते। और इनका जो एवरेज साइज होता है वो होता है 15 × 8 माइक्रोन। अब आगे बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन के बारे में। इसका जो ट्रांसमिशन होता है मतलब कि इसकी जो सिस्ट होती है वो प्रेजेंट होती है कहाँ पे, फूड में और वाटर में। तो आप कह सकते हो कि इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो कंटामिनेट फूड एंड वाटर के थ्रू होता है। इसमें क्या है, जो हमारी सिस्ट होती है वो सर्वाइव कर सकती है कई वीक तक और मंथ तक, कहाँ पर, कोल्ड वाटर में, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। और इसका डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हो सकता है। पर्सन टू पर्सन और ये मोस्टली किस में होता है, चिल्ड्रन में। और जो मेंटली इल पर्सन है मतलब मेंटली बीमार पर्सन जो होते हैं उनमें।
ये बात कर ली इसके ट्रांसमिशन के बारे में। अब आगे हम बात करते हैं इसके हैबिटेट के बारे में। ये जो हमारा गैडिया लैमलिया है, मतलब ये जो प्रोटो जो है वो कहाँ पे मिलता है, वो पाया जाता है हमारे डियोडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में। बाइल डक्ट में गॉल ब्लैडर में। किस फॉर्म में? ट्रोफोसाइट फॉर्म में। ये ट्रोफोसाइट फॉर्म में वो अटैच होती है किससे? म्यूकोसा से। ये बात होगी इसके हैबिटेट के बारे में। अब आगे बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो इन्फेक्शन है वो इससे हुआ है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन मतलब स्टूल की टेस्टिंग कर सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं एलाइजा टेस्ट कर सकते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट ऐसे। ये होती है परफॉर्म किसकी, एलाइजा की। और इसके लिए स्ट्रिंग टेस्ट कर सकते हैं, पर इसके इन्फेक्शन के लिए कोई भी आज तक सेरोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल नहीं है। नो सेरोलॉजिकल टेस्ट, इसको हम केवल डिटेक्ट कर सकते हैं किससे, स्टूल की ऐप से, एलाइजा की ऐप से और स्ट्रिंग टेस्ट की ऐप से। अब आगे हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं इसके इन्फेक्शन को। उसके लिए हम ड्रग यूज़ कर सकते हैं लाइक मेट्रोनिडाज़ोल, इन ड्रग्स।